हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो आज है गुड़ी पड़वा और मैं बना रही थी सबसे पहले वेजी बिरयानी। तो इसके लिए मैंने सब इंग्रेडिएंट्स ले लिए। तो सबसे पहले मैंने बाउल में डाला है दही, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, फिर सब वेजीज में डाला है पनीर, गाजर और गोभी, और कुछ अनियंस मैंने फ्राई कर लिए थे तेल में वो ऐड किए। फिर मैं यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और नींबू निचोड़ के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड किया है और इसको फिर मैरिनेट करने के लिए रख देना है ताकि वेजीज में अच्छे से मतलब हमारे सारे मसाले चले जाए। और राइस भी मैंने बिरयानी के लिए काफ़ी देर से, एक घंटे पहले से भिगो के रख दिया था ताकि राइस भी हमारा जल्दी से कुक हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मिक्सर में लिया है मिर्ची, लहसुन और धनिया, उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। फिर कढ़ाई में मैंने लिया है तेल और ये जो पेस्ट बनाया था मिक्सर में वो ऐड कर दिया है। जब पेस्ट थोड़ा सा 5 मिनट के बाद हो जाएगा तब इसमें मैं ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्ची, हल्दी, और फिर पानी डाल के मैं बॉईल आने दूंगी। जब बॉईल आ जाएगा तो मैं पोटैटो ऐड कर दूंगी। पोटैटो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे तो ये जल्दी से क्विकली ये सब्ज़ी बन जाएगी। आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो पूरी बनाने का तो वैसे कोई प्लान नहीं था, बट फिर पूरी बना ली थी मैंने क्योंकि आलू पूरी का एक जो कॉम्बिनेशन है क्लासिकल वो सबसे बेस्ट लगता है। फिर यहाँ पर मैं वेज बिरयानी के लिए राइस भी लगा रही हूँ। तो मैंने पैन में लिया है पानी, जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें डाला है नमक, थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, काली मिर्ची, लौंग और सिनेमन स्टिक, और फिर जो मैंने सोक किया हुआ था राइस वो डाल दिया। और मैं इसको ओपन में ही पकाऊंगी क्योंकि यहाँ पे राइस हमें फुल कुक नहीं करना है, मैंने सिर्फ 80% तक कुक किया था। और इसको फिर मैं निकाल के छन्नी में रख दूँगी सेपरेट होने के लिए ताकि एक दूसरे से चिपक ना जाए। छन्नी में रखा था थोड़ी देर, 5-10 मिनट, फिर मैंने एक प्लेट में, बड़ी प्लेट में स्प्रेड करके रख दिया था ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाए। फिर यहाँ पे जो मैंने मैरिनेशन किया था सब्जियों का वो मैं थोड़ा सा मैं उसको पका लूँगी, तो मैंने वही डाल दिया है पैन में और मतलब वो भी अराउंड 80% ही कुक किया था। अब मैं बिरयानी की लेयरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल के रखूँगी अलग क्योंकि वो दूसरे लेयर में डालूँगी। तो पहले एक लेयर सब्ज़ी का, उसके ऊपर मैं डालूँगी राइस, उसके ऊपर मैंने ये दूध में केसर भिगो के रखा हुआ था कलर के लिए वो डाला है, फिर मिंट लीव्स डालिए, फिर अनियन जो तेल में फ्राई किए हुए थे वो डाले, फिर उसके बाद फिर से एक लेयर सब्ज़ी का और उसके ऊपर फाइनली एक लेयर राइस का, उसके ऊपर फिर से केसर वाला दूध और मिंट लीव्स और प्याज। इसका दम मैं कुकर में दे रही हूँ क्योंकि कुकर हमारा एकदम बंद रहता है, तो इसको डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखना है, मैं इसको तवे पे रख के कुकर रखूँगी। मैंने अराउंड 15-20 मिनट के लिए इसको दम दिया था तो काफ़ी अच्छी बन गई थी, एकदम यम्मी सी। फिर यहाँ पे मैं मूंग पकौड़े भी बना रही हूँ, तो मैंने मूंग दाल भिगो के रखी है मिर्ची और लहसुन के साथ, मैं उसको पीस लूँगी, उसमें ऐड करूँगी प्याज और धनिया, नमक और जीरा, बस ये सब ऐड करके मैंने रख दिया है। और मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा सा मैंने फीका वाला निकाल के रख दिया है। स्वीट में मैं बना रही थी हलवा, तो कढ़ाई में मैंने लिया है घी और उसमें डाला है रवा, इसको हमें अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। वैसे तो इसका रेशियो रहता है जैसे एक कटोरी घी, एक कटोरी रवा, एक कटोरी शक्कर, बट स्वीटनेस आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक कटोरी से थोड़ा कम ही डाला है स्वीट। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, जब मेरा सब कुछ हो जाएगा तो मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको फिर मैं ढक के थोड़ी देर पकने दूंगी। तो हमारा यम्मी सा एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हलवा बन के तैयार है, गरम गरम बहुत अच्छा लगता है, एकदम कंफर्टिंग लगता है, पूरी के साथ सिर्फ हलवा भी खाया है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार है और मैंने एक कढ़ी भी बना ली थी जो कि मैंने शूट नहीं की क्योंकि मैंने काफ़ी बार रेसिपी दिखाई है इसकी। और हलवा भी मेरा रेडी है, आटा भी लगा के हो गया है, बस मुझे पूरियाँ तलनी है और पकौड़े तलने हैं। और हमारी बिरयानी भी बन के तैयार है, जैसे ही मैंने कुकर ओपन किया उसका बहुत अच्छा एरोमा सा आ गया बिरयानी का और बहुत ही यम्मी बनी थी। तो सबसे पहला प्लेट में लगाऊंगी गुड़ी के लिए, जो हम गुड़ी लगाते हैं गुड़ी पड़वा के दिन,
तो मैं उसी का प्लेट लगा रही हूँ। तो मैंने पूरियाँ तल ली है, कढ़ी रख दी है, सब्ज़ी रख दी है और फिर मैं पकौड़े भी तल रही थी। तो वही सबसे प्लेट पहला नैवेद्य का जाएगा और उसके बाद हम लोग खाएंगे। उसके बाद मैंने अपना प्लेट लगा लिया था। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या बनाया था गुड़ी पड़वा के दिन। ओके, बाय।